ट्रैफिक जैम हो चुका है इको पार्क में। आप देख सकते हैं कितने लोग आ रहे हैं आज इको पार्क। तो आप भी आएँ, इन्जॉय करें और इस जगह पे भी आना। रास्ता यहाँ से सजाद, आप दिखाओ इनको रास्ता कहाँ से। यहाँ पे नीचे हमने गाड़ी पार्क की है अपनी यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए इधर से रास्ता है। यहाँ से यहाँ पे आना इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखो ये पूरा दिखता है, और ये रही हमारे सामने इको पार्क। ये लकड़ी का पुल, इससे होके गुजरना है, फिर एक साइड रिवर झेलम का उस साइड से दिखाएगा आपको, क्योंकि इसका ना वहाँ से देखो। हाँ सजाद भाई, आप भी दिखाओ, वो है ना पंडित कॉलोनी के आगे से, वहाँ से दो इसके ये हो जाते हैं दो रास्ते। तो मतलब बीच में ये आ गया, पार्टीशन हो गया, दो रास्ते बन गए, इसीलिए इको पार्क बिल्कुल सेंटर में है और इसके दोनों साइड से ऐसे पानी जाता है। बड़ा मज़ा है यहाँ पे भाई। और इको पार्क आप दो रास्तों से आ सकते हैं, एक तो नेशनल हाईवे सीधा बारामूला से आप होके वहाँ से आ सकते हैं इस रोड से, और एक आप जो बस स्टैंड है बारामूला का लास्ट बस स्टैंड, वहाँ से एक ब्रिज गुजरता है, खानपुरा ब्रिज कहते हैं उसको, उससे क्रॉस करके आप द्रंगबल एरिया से होते हुए उस रोड से आएंगे वहाँ से, और फिर वो रोड आती है उस साइड से, वो जहाँ पे वो गाड़ियाँ पार्क की हैं आप वहाँ से भी आ सकते हैं और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ तक गाड़ी जा सकती है। ये रहा ब्रिज और ये रहा इको पार्क, ये रही इको पार्क, और दूसरा रास्ता यहाँ से है, यहाँ से आप भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि इस टाइम आप देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। तो अभी हम आगे जाएंगे, आगे से भी आपको दिखाएंगे कि कितने सारे लोग आज इको पार्क आए हैं भाई, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। हम प्लान कर रहे हैं कि हम नाइट कैंपिंग यहाँ पे करें। यहाँ पे एक फैसिलिटी भी ऐड की है, कुछ हट वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह कुछ है यहाँ पे, तो हम पता करेंगे और फिर उसके बाद हम नाइट कैंपिंग का प्लान यहाँ पे बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी पार्क अंदर से है। पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में आपको अवेयर करा देंगे जब हम नाइट कैंपिंग यहाँ पर करेंगे। तो फिलहाल आप एरिया देख सकते हैं, और ये रिवर झेलम एक साइड से भी दूसरे साइड से भी होके गुजरती है, और बीच में से यहाँ से ये पार्क आ जाती है, फिर देख लो भाई। और इस जगह पे भी आप आना, रास्ता यहाँ से दिखा दिया मैंने, यहाँ पे आप आके फ़ोटोग्राफ्स लो, अच्छी जगह है, लेकिन मेहरबानी करके आगे ज़्यादा नहीं जाना। सजाद भाई थोड़ा पीछे आ जाओ, आगे नहीं जाना क्योंकि फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हम भी फंस सकते हैं कि आपने इस जगह दिखाई अगर कोई यहाँ से गिर गया, इसीलिए बस ज़्यादा आगे नहीं जाना। यहाँ से भी आपके फ़ोटोग्राफ्स अच्छे आएंगे, आप देख सकते हैं बाकी जगह कितनी खूबसूरत है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, बाकी एरिया आपको दिखाते हैं। और इस पहाड़ पे चढ़ने का रास्ता कुछ ऐसा है, रास्ता भी देख लेना अच्छे से एक बार, ये रहा ये रास्ता है। अब हम जाएंगे आगे, वहाँ देखेंगे कितनी भीड़ है आज, है ना। हाँ सही है, चलो देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे आज, कितनी गाड़ियाँ लगी हैं दोनों साइड। अब हम आगे कहीं गाड़ी रखेंगे, उसके बाद ही आपको दिखा सकते हैं यहाँ से हम। वो अच्छे से दिखाते हैं। देखो भाई कितनी गाड़ियां लगी हैं,